कर दिया। चलो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ नया चैप्टर सिक्स में आपको समझाऊंगा। चैप्टर सिक्स जो हमारा है सब्सिडियरी बुक्स। अब सबसे बुक्स जो होते हैं एक कैश कैश के अंदर सब्सिडियरी बुक्स आता है कैश बुक, मतलब सिंपल कैश बुक, टू कॉलमनर कैश बुक, थ्री कॉलमनर कैश बुक। तो इस तरह से कैश बुक बनते हैं। कैश बुक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स का ये कैश बुक एक पार्ट है सब्सिडियरी बुक्स का। तो जिसमें तीन टाइप्स की बनती है, सिंपल कैश बुक, टू कॉलमनर कैश बुक, थ्री कॉलमनर कैश बुक। अब गुड्स रिलेटेड जो सब्सिडियरी बुक्स है वो फोर टाइप्स की है, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। बिल्स से रिलेटेड टू टाइप्स की सब्सिडियरी बुक्स है, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। एंड लास्ट में जो बनता है वो है जनरल प्रॉपर। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका जनरल प्रॉपर होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका जनरल प्रॉपर होता है। इनका मतलब जो एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है, जो एंट्री परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है, वो एंट्री जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है। इसलिए कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका जनरल प्रॉपर होता है, कि कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होता है जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर दो। तो ये सारी जो है सब्सिडियरी बुक्स हैं। बट एट प्रेजेंट हमें अभी यहाँ पर क्या पढ़ना है, तो हमें अभी यहाँ पर गुड्स से रिलेटेड चार जो सब्सिडियरी बुक्स है वो पढ़नी है। गुड्स से रिलेटेड जो चार सब्सिडियरी बुक्स है वो क्या है, किस तरह से क्या क्या रिकॉर्ड करना है वो समझाने जा रहा हूं मैं आपको अभी। चलो बच्चों, चलो बच्चों जो गुड्स से रिलेटेड अब मैं ड्रॉ करके कुछ समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। इसमें फोर टाइप्स की होती है, एक है परचेस बुक, दूसरा परचेज रिटर्न बुक, तीसरा सेल्स बुक एंड चौथा सेल्स रिटर्न बुक। तो मेन जो गुड्स से रिलेटेड मेन चार सब्सिडियरी बुक्स है बच्चों, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अब ये जो है परचेस बुक इसकी बात कर रहा हूं, ये परचेस बुक है इसमें भी दो टाइप्स की होती है, सिंपल परचेज बुक एंड कॉलमनर परचेज बुक। लाइक सेम वे इसमें भी होता है सिंपल परचेज रिटर्न बुक, कॉलमनर परचेज बुक, सिंपल सेल्स बुक, कॉलमनर सेल्स बुक, सिंपल सेल्स रिटर्न बुक, कॉलमनर सेल्स रिटर्न बुक। अभी कॉलमनर है इसमें भी दो पार्ट होते हैं, कॉलमनर में भी इसमें भी बच्चों दो पार्ट होते हैं, एक
गुड्स रिलेटेड एंड दूसरा एक्सपेंस रिलेटेड, इस तरीके से। तो पहले तो इस लेसन में जो आप पढ़ने वाले हो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बुक्स पढ़नी है चार पढ़नी है, परचेस बुक, परचेस रिटन बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटन बुक, ठीक है। तो परचेस बुक जो है तो उसमें भी दो होते हैं, सिंपल परचेस बुक, कॉलमनर, कॉलमनर गुड्स एंड एक्सपेंस रिलेटेड। जब प्रैक्टिकली सम समझाऊंगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो मैं प्रैक्टिकली सम समझाता हूँ आपको पहले। अब प्रैक्टिकली सम, प्रैक्टिकली सम समझाने से पहले मुझे आपको समझा रहे हैं सेवन गोल्डन रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स रिकॉर्ड करने के लिए सेवन गोल्डन रूल्स मैंने बताए हैं। क्या? देयर आर टोटल सेवन गोल्डन रूल्स, मैंने सात गोल्डन रूल्स बनाए हैं सब्सिडरी बुक्स सीखने के लिए। मैं पहले आपको सेवन गोल्डन रूल्स समझाऊंगा, आप सभी बच्चों को अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर देने हैं सेवन गोल्डन रूल्स, जो मैं बोलूंगा बोर्ड पे लिख भी रहा हूँ, अपने नोटबुक में रिकॉर्ड कर लिख दीजिए ताकि क्या जब सम गिनेंगे तब आपको अच्छे से आ जाएंगे। सेवन गोल्डन रूल्स बुक्स में नहीं लिखे हैं। एक बच्चे ने भी गुजराती में पूछा था सर बुक्स में कौन से पेज पर है, मैं वहां देख लू, मैंने कहा बुक्स में लिखे होते मैं बोलता सेवन गोल्डन रूल्स। चलो तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सेवन गोल्डन रूल्स फॉर रिकॉर्ड ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सेवन गोल्डन रूल्स अभी आपको मैं समझाने जा रहा हूं। क्रेडिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स ओनली recorded here. पहला रूल्स क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स ओनली आर रिकॉर्डेड हियर। मतलब पहली कंडीशन ट्रांजेक्शन क्रेडिट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ट्रांजेक्शन गुड्स से रिलेटेड ही होना चाहिए। अब गुड्स का मतलब मैंने आपको बहुत पहले समझाया था कि अगर आपका स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्टेशनरी आपके लिए गुड्स है, आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स है, ठीक है। तो क्रेडिट transactions of goods only are recorded here, याद रहेगा कि credit transaction of goods only। number two, cash transactions not recorded number 3 assets transactions not recorded number 4
नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन, नॉट रिकॉर्डेड, नंबर फाइव पार्शियल कैश एंड पार्शियल क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर क्रिएटेड एज टोटल क्रेडिट ट्रांजेक्शन. Partial cash and partial credit transaction are treated as total credit transaction. मतलब transaction का कुछ portion cash transaction and कुछ credit है तो उसको totally credit समझ के record करना है. Number six, trade discount. Always deducted. Trade discount always, always, always deducted. And number seven, cash discount never, ever, never deducted. Cash discount never, never, never deducted. So these seven are golden rules. These seven are the golden rules for recording transaction in subsidiary books. कुछ लोग बच्चों आपने notebook में लिख लिए. Hello sir. Hello. Sir ये आपने पहले जो seven rules दिखाए थे उसमें आपने second number गुड्स ट्रांजेक्शन ओनली रिकॉर्डेड तो उसके बदले आपने ये लिखा है नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड. हाँ वो भी चलेगा, नॉन इकोनॉमिकल भी ऑल्सो. पहले पढ़ाया तो मैं तो बोल रहा हूँ सेवन रूल्स को कब पढ़ा दिए. हेलो ये पहले पढ़ा दिया ये बोल रहा हूँ. हाँ हाँ सर. तो क्यों दोबारा पढ़ा रहे हो, तो आज के असम ही स्टार्ट करना था या समरी स्टार्ट कर दिया था? ना ना सम तो बाकी है. तो यार पहले भूलता नहीं. ओके एक गोल्डन रूल्स लिख लिया है कि लिखने बाकी है बोलो. रूल्स आपने लिखे हैं तो मैं आगे कर रहा हूँ और नहीं लिखे हैं तो लिखने का टाइम लिख लिए सर. सर लिख लिए. लिख लिए. ओके लिख लिए. तो चलो 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 तो फिर हम सन गिनते हैं. आ जाते हैं एग्जांपल नंबर वन पेज नंबर 129. इलस्ट्रेशन वन पेज नंबर 129 मिला सबको. सर बुक भी नहीं है. बुक नहीं है, काम करता हूँ मैं. मैं क्या बोलता हूँ कि भाई फोटो आपको व्हाट्सएप में भेजता हूँ. व्हाट्सएप में ओपन करी है आपको. चलो बच्चों तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और आपको इलस्ट्रेशन वन सिखा रहा हूँ.
अल्लाह। चलो सारे बच्चों को मिल गया, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है उनको वो भी मिल गया होगा, मैंने फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया है। कौन पढ़ेगा बोलो? आश्रय तू पढ़ ले, चल आज from following transaction prepare a purchase book in the book of Harish Kumar. Chalo stop ye tak padhna hai abhi. Chalo date, even a date ka a name of supplier, a inward invoice number, IIN number, ELF, aur ye amount ka column. ठीक है, तो पहले तो ये किस तरह से प्रिपेयर होता है ये आपको आना चाहिए, इसके कॉलम किस तरह से बनते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये सिखा रहा हूँ कॉलम किस से बनते हैं। ये है डेट, कस्टमर ने यहाँ पर आप लोग सप्लायर लिखा होगा, ट्रेडर्स ने लिखा आपको नेम ऑफ सप्लायर, आईआईएन नंबर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, आईएन का मतलब है इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ अमाउंट रुपीस और परचेज बुक ऑफ श्री हरीश कुमार इस तरीके से। ओके ठीक है, चलो सर पहला ट्रांजेक्शन पढ़ो तुम। गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम महेश ऑन 1 month क्रेडिट। ओके सो 10,000 का गुड्स हमने परचेज किया है, सो हम यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ सप्लायर में महेश अकाउंट एंड अमाउंट में 10,000 एंड नथिंग इज ओवर। तो देखो मतलब यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है स्टूडेंट, कोई डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं, सिर्फ डेट, नेम ऑफ सप्लायर, आईआई नंबर, एलएफ एंड अमाउंट पे सिर्फ इतना ही करना है। चलो श्री के बाद प्राची तू बता बेटा, सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ो प्राची। गुड्स ऑफ रुपीस 15,000 परचेस्ड फ्रॉम हसमुख भाई एट 10% रेट डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 15। हाँ तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे हसमुख भाई है ना, हसमुख भाई बिल नंबर कौन सा है 15 एंड अमाउंट आएगी 13,500। नाउ क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, सर 13,500 किससे आया? तो 15,000 का 10% रेट डिस्काउंट आपको करना है, सिखाया है फिर भी वापस सिखाते हैं। ये 15,000, ये माइनस ये 10% हो गया 13,500 वापस, 15,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, सो 13,500 इस तरीके से। चलो मीरा तुम पढ़ो बेटा सेकंड के बाद में नंबर 6। गुड्स ऑफ रुपीस 8,000 परचेज्ड फ्रॉम मनीष फॉर कैश। ओके अब अंडरलाइन कर दीजिए फॉर कैश। फॉर कैश का मतलब है मीरा कैश ट्रांजैक्शन है, और कैश ट्रांजैक्शन यहां पर रिकॉर्ड नहीं नहीं होता है। सो यहाँ पर नोट में लिखेंगे नोट, नोट नंबर 1 कौन सी डेट थी, डेट 6 कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन देयरफॉर नॉट
recorded. Okay. चलो अब दूसरा कौन बोलेगा? अरे मीटिंग खत्म होने आई, जल्दी से करो करो करो. ऑन कौन बोलेगा? चलो जानी ओम तुम बोलो. चलो बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. चलो जानी ओम नहीं बोल रहे तो मोक्स तू बता दे बेटा. मोक्स हाँ सर. कौन सा बेटा? सर प्लेस एन ऑर्डर विद नवीन फॉर सप्लाई गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. ये रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर. क्या लिखोगे? डेट 14 इज अ होसा ट्रांजैक्शन है. कैश ट्रांजैक्शन नहीं बेटा. प्लेस एन ऑर्डर नॉन इकोनॉमिकल होता है. प्लेस एन ऑर्डर क्या हो गया? Placed an order, non-filed an order, non-economical transaction, non-economical. Economical. हाँ इस तरह से बच्चों. Next चलो कौन बोलेगा? Hemin आया. Hemin. चलो हेमिंग नहीं आया है तो फिर कौन? कृष्णा. चलो कृष्णा. यस सर. क्वेश्चन नंबर 18. फर्नीचर ऑफ रुपीज 6,000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर मार्ट ऑन 1 month क्रेडिट. रिकॉर्ड होगा कि नहीं? सर कृष्णा ये नहीं रिकॉर्ड होगा. डेट 18 क्योंकि फर्नीचर यानी कि असेट परचेस किया है. असेट ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड. गोल्डन रूल्स में लिखा है देखो. चलो अब बात करते हैं भाई कौन बोलेगा? सागर. चल बता बेटा नेक्स्ट डेट 20. नवीन सप्लाइड गुड्स एज पर ऑर्डर एंड सेंड हिज इनवॉइस नंबर 314 आफ्टर एडिंग रेलवे Right of rupees 1,200. हाँ सबसे पहले तो बिल नंबर कौन सा है? 314. अब आपने ऑर्डर कब दिया था? 14 डेट को. अब 14 डेट को 10,000 का गुड्स 20% डिस्काउंट का ऑर्डर दिया था. तो चलो ये पहले लिखते हैं 10,000 का गुड्स माइनस 20% डिस्काउंट 8,000 हो गया. वापस 10,000 का गोल्स माइनस 20% डिस्काउंट तो हम यहाँ पर 8,000 से रिकॉर्ड करेंगे. अब दूसरा दिमाग में क्वेश्चन फूटा सर. मन में क्वेश्चन फूटा. क्या फूटा? मन में प्रश्न फूटा कि सर वो कहाँ गया? क्या नाम था? तो चार्जेस कहाँ गया? कहाँ गया? 1200 थ्रेड. 1200 थ्रेड का आपने यहाँ लिखा ही नहीं. 1200 थ्रेड मैंने इसलिए नहीं लिखा कि जब हम एक्सपेंस वाइज बनाएंगे एक्सपेंस वाइज कॉलमनर परचेज बुक लिखा है. मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है. यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा. ओके चलो मोक्षिल के बाद चंद्रेश तू पढ़ ले बेटा. सर गुड्स ऑफ 16,000 परचेज फ्रॉम बाबूलाल एट 10% रेट डिस्काउंट एंड पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक.
अब पार्शियल कैश एंड पार्शियल क्रेडिट है तो हम तो टोटल क्रेडिट समझ के ही रिकॉर्ड कर देते हैं। तो देखो पहले तो 16,000 में से माइनस 10% डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, तो 14,400 से रिकॉर्ड कर दो, बस सिंपल था। चलो जॉर्डन आया है, जॉर्डन पढ़ो बेटा डेट 30। जॉर्डन ओके, युग आया, युग पढ़ो बेटा, युग goods of rupees 6000 purchased from Lalit at 10% trade discount and 5% cash discount, amount of bill paid immediately. हाँ, तो चलो यहाँ मैं लिख रहा हूँ date number 28, ये क्या हो गया, amount paid immediately, मतलब cash transaction है, so not recorded. चलो युग के बाद कौन आया है, कौन बाकी रह गया, कृष्णा आ गया, मकवाना देवी, चलो तुम पढ़ो बेटा। सर कौन सा डेट 30 डेट 30 गुड्स ऑफ रुपीस 3000 परचेज्ड फ्रॉम राजेश, बिल नंबर 101। तो राजेश बिल नंबर 101 3000 टोटल करो, और टोटल को आप कहोगे टोटल क्रेडिट परचेज, इस तरीके से बच्चों, ठीक है। तो मतलब इस तरह से हमारा बनता है ये सिंपल परचेज बुक का। अब इसी के जैसा सेम आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4 है, तो वो आपको होमवर्क में करना है। और कहाँ गया एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 पेज नंबर 151 पर है, सेम इसके जैसा है, वो आपको होमवर्क में करना है। अब जो इलस्ट्रेशन 2 है देखने तो पहले कितना क्या हुआ है सर, 2 मिनट बाकी है। हाँ 2 मिनट बाकी है, नहीं खत्म होगा। और चलो नहीं तो इतना ही रखता हूँ मैं, तो मुझे भी आज एक जगह जाना है 8 बजे। तो देखो इलस्ट्रेशन मैंने 1 करवाया आपको, और आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 और पेज नंबर 151 पर है। और फिर आप सुनो 2 मिनट है तब तक, तो कि फ्राइडे आपका टेस्ट लूंगा मैं अकाउंट के अंदर, अकाउंटिंग इक्वेशन करके मैंने क्लेशन आपको सिखाया था उसका, और जनरल एंट्री, इन दोनों का मैं फ्राइडे टेस्ट रखूंगा। और नेक्स्ट वीक में स्टेट का जो थर्ड लेसन है ना हमारा, जो अपने सीखा डेसाइल परसेंटाइल क्वार्टाइल सो एंड सो एंड सो एंड सो, तो नेक्स्ट वीक में उसका टेस्ट रखेंगे। उसमें एक्सरसाइज 3.4 एंड एक्सरसाइज 3 होमवर्क में है, आपको करो। नहीं आता है तो ये थर्सडे जो भी नहीं आता है मैं आपको उसमें से सिखाऊंगा, आप व्हाट्सएप में भेज देना, सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं देख लूंगा क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम यहाँ बोर्ड पे में करवा दूंगा वो सब, जो जो आपको नहीं आते बच्चे आप एक बार लिख के बोल देना मुझे, कर दूंगा, ताकि क्या जो सारी क्वेरीज डाउट्स है वो लेसन की आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बच्चों तो इस तरह से करते हैं, और आज का तो यहीं पर खत्म करते हैं। ओके चलो बाय बाय, टाटा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बाय सर, 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 बाय